हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या ग्रह दोष होता है जैसे राहु केतु? हाँ होता है, हम सबको कोई ना कोई ग्रह का दोष रहता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस मुहूर्त में जन्म लियो हो। और लेकिन लेकिन जब आप भक्ति करते हैं भगवान का सही से, तो उनका असर इतना नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि ये भक्ति से क्या है, आपका डेस्टिनी तक चेंज हो जाता है, भगवान आपका आश्रय ले लेते हैं ना, भगवान आश्रित कर देते हैं अपने ऊपर। तो इसलिए जो भगवान के आश्रय में आ जाता है वो इन सब के प्रभाव से बच जाता है। हाँ, जो ग्रह दोष होता है और आप कुंडली दिखाते तो उपाय बताया जाता है क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब तक आप अल्टीमेट उपाय यही है, ये ग्रह दोष, ये संसार में आना, इन सब का मूल कारण तो यही है ना, कि आपने भगवान की शिक्षाओं को भगवान से अलग अपने आप को रखा। अज्ञानता, अज्ञानता ही दुख का कारण है, जिसकी वजह से हम करोड़ों जन्मों से बुरे और अच्छे कर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रारब्ध बनता है हर बार, और उस प्रारब्ध के हिसाब से हमारा जन्म होता है और सुख दुख मिलता है, ठीक है? लेकिन जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जब भक्ति आरंभ कर दी, तो उस समय धीरे धीरे, अभी पूर्ण रूप से तो शरणागत है नहीं, तो जिस शरणागति जितनी आपकी बढ़ेगी, उस अनुपात में आपके जो पुराना प्रारब्ध है कटता जाएगा, तो फिर आपके जो ग्रह दोष का जो असर है वो उसी अनुपात में खत्म होता जाएगा। फिर भगवान आपका शरणागति, भगवान आपका आश्रय देते, भगवान आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को सारे पापों से बचाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं, बट उसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा, चीटिंग नहीं कर सकते भगवान के साथ। तो जो है, तो इसीलिए जो है उपाय जो है, बाकी लोग जो बताते हैं वो सब उपाय, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आजकल चीटिंग बहुत हो रहा है, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको पहले वैष्णव होना पड़ेगा। एक सही एस्ट्रोलॉजर वो पूरा सात्विक जीवन जीना चाहिए, तभी वो एस्ट्रोलॉजी अच्छे से कर पाएगा। जैसे आजकल आयुर्वेद क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि कोई सही सात्विक वैष्णव नहीं है। आयुर्वेद इसीलिए आजकल लुप्त हो रहा है, आयुर्वेद एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, बट वो मटेरियल साइंस है, लेकिन उसके लिए भी आपके अंदर शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी नहीं निकल कर पाएगा वो। तो आजकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पर सिर्फ व्यापार हो रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इससे वो सब चक्कर में तो वैसे ही नहीं फंसना है। आप अगर सही से हरे कृष्ण महामंत्र कर रही हैं और ये जो आप गीता सीख रही हैं ना, ये करेंगी ना, दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब आपका ठीक हो जाएगा, सारा ग्रह नक्षत्र सब अपने आप सेट हो जाएंगे। मैं बता तो रहा हूँ, आपकी जो हाथों की रेखाएं तक बदल जाएंगी, सारा ज्योतिष बदल जाएगा आपका। हाँ, बट आपको शरण लेना पड़ेगा ढंग से, तब भगवान बोलते हैं, नहीं तो फिर चीटिंग नहीं चलेगा। शरणागति लेंगे तो हाँ, उसमें ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक्सीडेंट होने वाला होगा तो आपको खरोंच तक लगेगी, बस पैर कटना था ना तो पैर का अंगूठा गायब हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी जो थी वो अब लो इंटेंसिटी में दर्द होगा। भगवान ऐसे व्यवस्था करते, इसलिए ज़्यादा उन उपाय में ना पड़िए, नहीं तो उससे क्या होगा, आपका कृष्णा के प्रति शरणागति दिखाने का जो भाव है वो कम हो जाएगा, आप भौतिक प्रयासों पे ज़्यादा निर्भर हो जाओगे, वो सही नहीं है। जब आप यहाँ आ गई हो अल्टीमेट दरबार में, तब किसी और के दरबार में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।